ओके हेलो मिर्सी वेलकम बैक टू माय चैनल तो देखिए आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इसमें हम हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की यूनिट एंड एंड एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल डिजास्टर डिजास्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं के अंदर अभी तक फिलहाल हमारे छह लेक्चर्स कवर हो चुके हैं होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे अगर आज के लेक्चर पे बात करें तो आज बनता है हमारा लेक्चर नंबर सेवन जिसके अंदर हमने अगेन एक डिजास्टर बोल सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन लेना है विच इज मीना माता डिजीज तो मीना माता डिजीज क्या है ये भी एक डिजीज थी बट आप इसे देखेंगे तो आप

कॉर्पोरेशन केमिकल फैक्ट्री विच कंटिन्यू फ्रॉम 1932 टू से 1968 तो क्या बोल रहा है ये बोल क्या है पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहे हैं इनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है और ये ही पॉल्यूशन ये जो मर्क्यूरी का पॉल्यूशन था इसी ने क्या किया था ये मीनामाटा डिजीज कॉज की थी तो यहाँ पे ये लिखा है कि मीनामाटा डिजीज का कॉज क्या है मिथाइल मर्क्यूरी है मिथाइल

वो मिनामाटा डिजीज देखी गई थी समझ में तो सिंपल सी ओवरऑल बात इतनी सी है जो मैंने आपको लास्ट लाइन में बोली इसको आपने कहां ऐड करना है इंट्रोडक्शन में ऐड करना है ओके तो इंट्रोडक्शन वाला एरिया कब हुआ अब हम लोग इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि मिनामाटा डिजीज आई कहां से क्या है इसका सीन है वो सारी चीजें समझते हैं ओके

को मिलेगी या फिर पैरिफेरल विजन का लॉस आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हेयरिंग एंड स्पीक की जो आ, टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी डैमेज हो जाएगी तो ये क्या है कॉमन सिम्टम्स हैं इनके अलावा ये सिम्टम्स भी देखा जाता है कि कभी कभार कुछ लोगों में क्या है कोमा की केस आ जाता है मतलब कि इंसान कोमा में पहुंच जाता है पैरालिसिस हो जाता है और इवन डेथ तक भी हो जाती है जब भी पीपल क्या है किससे सफर करता है मीना मार्टा डिजीज से सफर करता है? है तो ये पॉइंट आपने कहा ऐड करने है बैकग्राउंड में एड करना है ओके okay? अब उसके बाद जैसे हमने यहीं पर बात की कि हमारी जो मिथाइल मर्क्यूरी है ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट है आप बोल सकते हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका ये पर्टिकुलर डिजीज हो रही कि मिनीमाटा डिजीज हो रही है तो अब हम बात करते हैं कि मर्क्यूरी एज अ पॉल्यूशन कैसे काम करता है तो सुनिएगा ये बोल रहा है मर्क्यूरी इज अवी मेटल दैट प्रेजेंट नेचुरली इन एयर एंड वाटर मर्क्यूरी एक हैवी मेटल है जो कि नेचुरली हमारे एयर एंड वाटर में प्रेजेंट होता हम हमारी एक्टिविटी अगर नहीं भी है फिर भी क्या है कि हमारे एयर वाटर एंड सॉइल में प्रेजेंट है नेचुरली ओके okay? आगे लिखा हुआ है मर्क्यूरी इज द वन ऑफ द टेन केमिकल दैट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यू लिस्टेड फॉर द पब्लिक हेल्थ कंसर्न तो ये बोल रहा है मर्क्यूरी क्या है दस में से सबसे मतलब दस में से एक केमिकल है क्योंकि WHO ने लिस्ट किया है जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है या फिर बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो मर्क्यूरी है वो एक बहुत ज्यादा हार्मफुल uh, या फिर हजार केमिकल है जो कि पॉल्यूशन के थ्रू हमारे ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है ओके okay? अब आगे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक्सपोज टू अ मर्क्यूरी कैन बी अ अ पॉइजनस एंड हैविंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन द वन हेल्थ इवन द न्यू डोज ओके तो ये बोल रहा है कि हम ये बात कर सकते हैं कि अगर कोई इंसान मर्क्यूरी के कॉन्टेक्ट में आता है उसके साथ एक्सपोजर में आता है उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा उसको कुछ पॉइजनस या फिर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे इवन क्या है अगर वो छोटे से टाइम के लिए भी शॉर्ट पीरियड के लिए भी मर्क्यूरी के कॉन्टेक्ट में आता है तो भी उसे क्या है थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे आगे लिखा है मर्क्यूरी इम्पैक्ट ऑन इम्यूनो न्यूरोलॉजिकल एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ये सिस्टमरी डायरेक्टली क्या है और न्यूरोलॉजिकल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पर अफेक्ट करती है एडिशनली ये हमारे किडनी में लंग्स में आई पे स्किन में और दूसरे ऑर्गन को भी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा जो इस मर्क्यूरी से इस पॉल्यूशन से अफेक्ट होते हैं वो हमारे कौन होते हैं छोटे से बच्चे होते हैं और न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं यानी कि जो बच्चे हैं और जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनपे क्या होता है सब

मतलब इवन उसकी डेथ भी हो जाती है ओके okay? और मॉडरेट सिचुएशन है मतलब कि ठीक ठाक ही हो रहा है उस केस में क्या होता है इट इज उसके कंडीशन फ्राम द डिफरेंट इलनेस लाइक है उसको क्या हो जाएगा मतलब ये बेसिक सी सिम्टम्स uh, uh, देखने को मिलेंगे जैसे हेड एक् हो जाएगा क्रोनिक एक्सिस्टेंट हो जाएगा और जनरलाइज इन एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट टेस्ट एंड स्मेल यानी कि उसके बाद क्या होगा इंसान क्या है इसमें जैसे कोरोना के टाइम पर हो रहा था ना स्मेल भी टेस्ट भी प्रॉपर नहीं आ रहा था वही है इंसान क्या टेस्ट नहीं पहचान पाएगा उसको स्मेल का पता नहीं चलेगा स्मेल आ रही है नहीं आ रही है तो ये बेसिक सिम्टम्स है जब भी कोई इंसान मीना वाटर डिजीज से सफर करता है तो ये सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं तो ये चार स्लाइड आपके लिए इनफ रहेगी इस टॉपिक के अंदर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बनता है तो ये तो हमारा अभी फिनिश हुआ अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर लेते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय